अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। औरत के लिबास में दुपट्टा ना हो तो लिबास कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो अधूरा लगता है। बाप बूढ़ा और कमजोर भी हो तब भी बेटियों के लिए मजबूत साहिबान और वाहिद उम्मीद होता है। नवासी पैदा होने पर जैसे आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह पोती पैदा होने पर आपकी बहू भी कतन कसूरवार नहीं है। लिहाजा बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, खुशी से कबूल करो। गुफ्तगू के लिए वो इंसान अपना खोलता है मगर तरबियत इसकी बड़ों की भूलती है। शायद इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, आदतें नस्लों का पता देती हैं। वालदैन के दिल बहुत नाजुक होते, वो भी आप में अपना आप तलाश करते। जिस तरह छोटे होते वालदैन आपको तवज्जा मोहब्बत और शफ़क़त देती, बिल्कुल इसी तरह बूढ़े वालदैन आपकी तवज्जा मोहब्बत के तलबगार होते। अपने वालदैन को अपनी वक्त में से वक्त ज़रूर दें, इन्हें एहसास दें वो आपके लिए कितने अहम हैं। याद रखिए मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है, जिसे लगा लेने से हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ नजर आता है। अल्लाह ने कहा मांगो मैं दूंगा, मुझे आवाज दो मैं सुनूंगा, मैं तो करीब हूं। सिर्फ मुझे ही तो तुम्हारी तकलीफों का इदराक है, सिर्फ मैं ही जानता हूं कि तुम्हें कब कहां क्या चाहिए, तुम्हारा इम्तिहान कितना मुश्किल है, तुम्हें कितनी आसानी दरकार है। आज हमारे पास वो लोग नहीं जो बार बार हमारी तकलीफें सुन सके, जो हमारा दर्द जान सके। हम हजार अल्फाज में बयान करते कि हम तकलीफ में हैं, कोई नहीं समझ सकता। किसी के लिए अल्फाज दस्तर बने होते हैं, किसी के लिए रवैये। इंसान कहाँ ये सब कुछ समझ सकता है। तो बेहतर है कि इससे कहा जाए जो सब समझता है। जो अता करता है और जो बंदे पर हर लम्हा रहम करता है, इसी से मांगा जाए।